तिलहन पर एमएसपी की कानूनी गारंटी से उत्पादन में होगी अच्छी बढ़ोतरी। दरअसल वैधानिक रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की किसानों की मांग ने सरकार को सोच में डाल दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या सभी फसलों के लिए एमएसपी की वैधानिक गारंटी संभव है और सरकार इसकी खरीद को उपयोगी मानती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कानूनी रूप से एमएसपी की गारंटी किसानों को बेहतर वापसी सुनिश्चित करेगी, लेकिन सरकारी खजाने पर भार बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। अगर किसानों को लाभप्रद मूल्य हासिल होता है तो स्वाभाविक रूप से उत्पादन में बढ़ोतरी के प्रति उनका उत्साह और आकर्षण बढ़ जाएगा। भारत फिलहाल खाद्यान्न और खासकर चावल तथा गेहूं उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है, लेकिन दलहन तिलहन में काफी पिछड़ रही है और इसीलिए विदेशों से विशाल मात्रा में दलहन तथा खाद्य तेलों का आयात करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसके घरेलू उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी करने की सख्त जरूरत है। इसके लिए सरकारी योजनाएं तो चल रही हैं, मगर इसका अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ रहा। सरकार ने अगले 5 साल तक अरहर, उड़द और मसूर के साथ साथ मक्का तथा कपास की खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने का प्रस्ताव रखा है, मगर इसमें तिलहन फसलों को शामिल नहीं किया गया, जबकि ज्यादा जरूरत इसी की है। खाद्य तेलों का आयात पिछले मार्केटिंग सीजन में उछलकर करीब 165 लाख टन के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है, जिस पर अत्यंत विशाल धनराशि खर्च हुई है। वहीं देश में सोयाबीन और सरसों का भाव समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा है, जिससे किसान नाखुश हैं। दलहन तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी बेहतर उपाय होगा और इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए पहले खाद्य तेलों दलहनों पर आयात शुल्क को मुक्ति संगत बनाना होगा, क्योंकि घरेलू बाजार भाव ऊंचा होने पर ही मिलर्स द्वारा दलहन तिलहन की खरीद में दिलचस्पी बढ़ाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।